हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु निज निज ग्राम पंचायत आसी एई वर्षर एक बहुत बड़ निजुक्ति जदि आपण माने दशम प्लस टू किंबा प्लस थ्री किंबा पीजी जदि आपण पाखरे किछि भी क्वालिफिकेशन थिबो तबे एथिरे भिन्न भिन्न पोस्ट अप्लाई करि परिबे देखि परथिबे एथि पई दरमा भी बहुत भल रहिछि। आपण माने एथिरे 33100 पर्यंत मंथली सैलरी पाइ परिबे। फ्रेंड्स सबठारु बड़ कथा या जे जदि आपण माने सिलेक्शन पाउछंती तेबे निज पंचायत अंडर ही पोस्टिंग टी पाई परिबे। एथिरे आपण माने किपरि अप्लाई करिबे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ए वीडियो शेष रे म आपनको कहिबे। जदि आपण माने अप्लाई करिया पई इंटरेस्ट रखुछंती तेबे ए वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। चालंतु प्रथमे आलोचना करि नेबा जे कोन रहिछ रे ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला आसुथिबा एई भली नुवा नुवा गवर्नमेंट जॉब रे नोटिस पाया पई चाहुछंती तेबे हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को भी गोटिए लाइक कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु एही पोस्ट रे केउ माने अप्लाई करि परिबे एथिरे ऑल ओडिसा रो पिला माने अप्लाई करि परिबे। आम ओडिसा रो समस्त जिल्ला रो पिला माने एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। उभय पुरुष महिला प्रार्थी माने मध्य एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट होची सैलरी। तो देखंतु एथि पई 10200 रु आरंभ करी 33100 पर्यंत आपण माने एथिरे मंथली सैलरी पाई परिबे जहा के एक बहुत भलो सैलरी रहिबो। नेक्स्ट होची जॉब टाइप। जॉब टाइप टी ओडिसा गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट जॉब रहिबो निज पंचायत रे ही यार जॉब लोकेशन टी रहिबो। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम। देखंतु एथिरे केउ केउ पोस्ट पे नियुक्ति आसी अछि। एथिरे भिन्न भिन्न प्रकार पोस्ट पे नियुक्ति रहिछि जेपर एथिरे केस वर्कर पई पोस्ट होइछि। नेक्स्ट होची सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट होची काउंसलर। नेक्स्ट होची हाउस फादर बा हाउस मदर। नेक्स्ट होची हेल्पर। देखंतु एथिरे हेल्पर सहित आपणकर हाउस कीपर पई भी पोस्ट होइछि। देखि परथिबे हेल्पर सहित हाउस कीपर पई भी पोस्ट होइछि। या सहित कुक एवं असिस्टेंट ए भली किछि पोस्ट पई नियुक्ति रहिबो आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार जे कोनोसी पोस्ट बे अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट होची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखंतु कोन सब क्वालिफिकेशन रहिबो जदि आपण माने मैट्रिक प्लस टू किंबा ग्रेजुएशन किंबा पोस्ट ग्रेजुएशन जदि आपणक पाखरे एथि मध्य किछि भी क्वालिफिकेशन थिबो तबे पोस्ट अप्लाई करि परिबे। केउ पोस्ट पई कोन क्वालिफिकेशन रहिबो सेहि विषय रे म आपणक अप्लाई कला समय कहि देबे। देखंतु स्ट्रीम कोन रहिछि ना आर्ट्स साइंस कॉमर्स जे कोनोसी स्ट्रीम रे पिला माने भी एथि अप्लाई करि परिबे किछि भी असुविधा नाही। एहा पर देखंतु एथि पई कोन सब एप्लीकेशन फी रहिबो। एथि पई नो फी रहिछि आपणक एथिरे कोनोसी भी एप्लीकेशन फी पे करिबार आवश्यक नाही। जदि आपणकर कैटेगरी जनरल ओबीसी बा एससीबीसी किंबा एससीएसटी जे कोनोसी कैटेगरी भी आपण माने होइथिबे एथिरे फ्री रे अप्लाई करि परिबे कारण समस्तक पई फ्री रहिबो। देखंतु नेक्स्ट कोन रहिछि। नेक्स्ट होइछि सिलेक्शन प्रोसेस। देखंतु एथि पई मार्क बेसिस होइछि कोनोसी भी रिटर्न टेस्ट एथिरे हेबो नाही केवल आपणकर क्वालिफिकेशन। देखंतु जेउ पोस्ट भी आपण माने अप्लाई करिवे सेही पोस्ट पे आवश्यक पडथिबा क्वालिफिकेशन अनुसार सिलेक्शन करा जिवो। जेपर कि मैट्रिक पास जदि आपण माने पोस्ट अप्लाई करछंती तो मैट्रिक रो मार्क अनुसार सिलेक्शन करा जिवो। जदि आपणकर सिलेक्शन हेउछि एहा पर आपणकर सेकंड स्टेप रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो फ्रेंड्स एही दुई गोटी प्रोसेस द्वारा ही आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिवे। यहाँ पर देखंतु जेतेबेला आपण माने एथिरे अप्लाई करिवे अप्लाई कला समय रे किछि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडी कर आवश्यक पडिवो। तथा देखि नियंतु केउ केउ डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पडुछि। जदि आपणक पाखरे एई सबु डॉक्यूमेंट गुडी को नथिबो तबे आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे नाही। एथि पय थरे देखि नियंतु प्रथमत रहि जे आपणकर ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एवं तार मार्कशीट रो जेरॉक्स आवश्यक पडिवो। आपणक पाखरे जहा भी क्वालिफिकेशन थिबो समस्त क्वालिफिकेशन रो जेरॉक्स कॉपी आवश्यक पडिवो। या सहित गोटे पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक पडिवो। जदि आपणकर पुरुणा किंबा नुआ रेसीडेंट सर्टिफिकेट थिबे तबे से रेसीडेंट सर्टिफिकेट गोटे जेरॉक्स भी आवश्यक पडिवो। नेक्स्ट जे कास्ट सर्टिफिकेट। देखंतु कास्ट सर्टिफिकेट केवल एससी एसटी बा एससीबीसी पिला मानक पई आवश्यक पडिवो जनरल मानक पई आवश्यक नाही। नेक्स्ट होची आईडी प्रूफ। देखंतु आईडी प्रूफ रे तीनोटी ऑप्शन अछि। जदि आपण माने निजर आधार कार्ड जेरॉक्स को देबे तो भलो कथा। तो फ्रेंड्स जेतेबेले अप्लाई करिवे अप्लाई कला समय रे एही किछि डॉक्यूमेंट आवश्यक पडिवो। नेक्स्ट होची एप्लीकेशन मोड। तो देखंतु एथि पई बोथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एप्लीकेशन मोड रहिबो किंतु एई वीडियो रे म आपनको ऑफलाइन प्रोसेस कहिबी। आपण माने किपरि ऑफलाइन बा स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे किपरि अप्लाई करिवे तहार प्रोसेस टी कहिबी। देखंतु स्टार्टिंग डेट जाके स्टार्ट होइ सरिछि आपनको 10 दिन मध्ये रे पोस्ट अप्लाई करबाक पडिबो। तो फ्रेंड्स चलंतु एबे आलोचना करबा जे आपण माने किपरि एथि अप्लाई करिवे। फ्रेंड्स देखंतु एथिरे आपण माने किपरि अप्लाई करिवे म आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी एबे कहिबी। एथि पई आपण माने ए वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि नियंतु। प्रथमे आपण माने निज मोबाइल थिबा गूगल को ओपन करंतु। ओपन कला परे सर्च बॉक्स उपर क्लिक करंतु। यहाँ पर सिंपली सर्च करंतु। कौन सर्च करिवे सिंपली टाइप करिवे ओडिसा।
देन स्पेस लिखे जिओवीटी देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन देखिपे मनिटर कौन टाइप कर सिंपली आप मैंने यही लिखे लिखे ओडिशा जिओवीटी जॉब डॉट इन लिखला पाखर थिबा सर्च ऑप्शन उपरे क्लिक करेंगे तो देखो तो क्लिक कला आपन को ओडिशा जिओवीटी जॉब रो साइट देखा मिले देखिपे मेनसन अच्छे ओडिशा जिओवीटी जॉब तो सिंपली आप मैंने साइट उपरे क्लिक करूँ देखो क्लिक कला किस समय लोड हेबो यापर आपठे भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब गुड़ देखा मिले फ्रेंड्स देखो आप जितेबाला तलक तलक स्क्रोल डाउन करेंगे आपन को यही मोर जॉब्स सेक्शन में देखिपे मेनसन अच्छे मोर जॉब्स यही सेक्शन में आपको समस्त जॉब रो इनफॉरमेशन देखा मिले जहाँ भी रिसेंट जॉब रो नोटिस आसी समस्त जॉब रो नोटिस देखा मिले तो देखो प्रथम एक नोटिस अच्छी ओडिशा ग्राम पंचायत ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 रो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आपको देखा मिले तो सिंपली आप मैंने नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करूँ जदि आप न हो कौन करेंगे देखो ये लॉर्ड मोर ऑप्शन अच्छे एटे क्लिक कर चेक करेंगे कारण जहाँ भी नूतन वैकेंसी लिस्ट आसे गोटे गोटे फास्ट पेज थाए तो जदि आपको एटे न सो हुए तो लॉर्ड मोर ऑप्शन पर क्लिक कर चेक करेंगे तो देखो सिंपली क्लिक करूँ यही ग्राम पंचायत ऑफिस लिंक उपरे देखो क्लिक कलापर आप पोस्टर समस्त इनफर्मेशन देखा मिले जपरिक क्यों क्यों पोस्ट में वैकेंसी रही किपर अप्लाई करेंगे से विषय लिखा जाए नेक्स्ट हूँ आपणकर लास्ट डेट जहाँकि 4 अगस्त 2023 होगी अप्लाई करवा लास्ट डेट क्वालिफिकेशन देखो क्यों पोस्ट में कौन रोक से विषय में लिखा जाए भला भाव पढ़ी सैलरी क्यों पोस्ट में कौन रोक से विषय भी लिखा जाए देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रुक तो कही मार्क बेसीस अनुसार सिलेक्शन होपर व्वेटेज अनुसार सिलेक्शन होता भी मेनसन अच्छे भला भाव पढ़े एवं देखो किपर आप्लाय करेंगे तरह प्रोसेस आपको एवं कहि एटे देखो इम्पोर्टेंट लिंक अच्छी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी एप्लीकेशन फॉर्म लिंक अच्छी तो प्रथम आप नोटिफिकेशन पीडीएफ रो लिंक उपरे क्लिक करूँ देखो क्लिक कलापर यह किसी शो हे फ्रेंड्स देखो आप नोटिफिकेशन लिंक उपरे क्लिक कलापर आपखे यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसी तो देखो प्रथम क्यों क्यों पोस्ट रही से विषय भला भाव पढ़ी ने देखो प्रथम रही सुपरिटेंडेंट देखो ये गोटे पोस्ट रही एज लिमिट 21 रु 45 रोक क्वालिफिकेशन आपंकर पीजी पास रही पीजी पास पिला अप्लाई करेंगे दरमा देखु आपन को 33,100 टका मंथली दरमा मिल पार एवं आलांस भी मिले जहाँकि एक बहुत भल दरमा रही नेक्स्ट हूँ केस वर्कर प्रोबेशन ऑफिसर बा चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर देखिए मेनसन अच्छे ये आपंकर क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएट डिग्री देखो आपंकर प्लस 3 पास थी तेज अप्लाई करेंगे देखो स्ट्रीम कौन कौन अच्छी ताकि भी मेनसन कर भला भाव चेक करेंगे दरमा ये 23,170 टका रोक नेक्स्ट हूँ काउनसिलर एथपाई भी प्लस 3 पास होती देखिपे सेम क्वालिफिकेशन रही किसी भी चेंज नुहे जदि आप पीजी थी तेज अप्लाई करेंगे नेक्स्ट हूँ हाउस फादर देखिपे हाउस फादर पर भी ग्रेजुएट पास मेनसन अच्छे हाउस फादर हाउस मदर पर ग्रेजुएट पास अच्छे जदि आप ग्रेजुएसन पास थी तेज अप्लाई करेंगे 14,564 टका आपको ये मंथली सैलरी मिल पार नेक्स्ट हूँ कुक रोसेया पोस्ट हो दरमा ये 9,930 टका रोक हेल्पर देखो हेल्पर पर कौन क्वालिफिकेशन रही ना ये भी अंडर मैट्रिक कि आपंकर मैट्रिक्रु ये जब आप क्वालिफिकेशन थी तेज एप्लाई करेंगे एथपाई आपको 8,000 पाखापाखि सैलरी मिल नेक्स्ट हूँ हाउसकीपर एथपाई भी सेम रही 8,000 टका आपको दरमा मिल क्वालिफिकेशन आपंकर अंडर मैट्रिक अप्लाई करेंगे नेक्स्ट हूँ एजुकेटर ए ग्रेजुएशन आपंकर डिग्री आवश्यक पड़ो देखो एम किसी मेनसन नुहे आपंकर जहाँ भी स्ट्रीम थी अप्लाई करेंगे दरमा ये आपको 10,000 टका मिल देखो किसी टीचिंग पोस्ट होती जपरिक आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक टीचर एथपाई देखो आपंकर बीड तो आवश्यक ना कि आपंकर स्ट्रीम्रे नलेज थी तेज अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स आप जाने जे कौन क्वालिफिकेशन कौन एज रही एवं चलते आलोचना करवा किपर अप्लाई करेंगे देखो अप्लाई फुल प्रोसेस मेनसन करपर अप्लाई करेंगे देखो ये एक एड्रेस मेनसन अच्छी यही एड्रेस आपको एक फर्म टी सेंड करने को पड़ो मुझे देखे दूसरी भला भाव जूम कर देखा देखो आपन को ये एड्रेस मिल देखो एड्रेस कौटी मिल आपको पीडीएफ हेडिंग में मिल जाव देखिपे वेट करूँ तो देखो आपको ये एड्रेस टी शो हे तो यही एड्रेस आपको एक फर्म टी सेंड करने को पड़ो तो चलो आलोचना करवा आप क्योंठ पाइबे एप्लीकेशन फर्म तो सिंपली आप बैक आस
देखंतु बैक आसला परे आपन कठरे को एप्लीकेशन फॉर्म रो लिंक देखिबा को मिलिबो। तो सिंपली आप माने ए एप्लीकेशन फॉर्म रो लिंक ऊपर क्लिक करंतु। तो फ्रेंड्स देखंतु आप माने से फॉर्म रो लिंक ऊपर क्लिक कला परे आपन को समुख रे ए बडे एप्लीकेशन फॉर्म टी आसीथिबो। तो सिंपली प्रथमे आप माने ए फॉर्म टी को प्रिंट काढिबे। प्रथमे प्रिंट कला परे ए फॉर्म टी को फिल अप करिवे। प्रथमे लिखिबे जे केउ पोस्ट अप्लाई करा पई चाहौचंती। या परे आपन को फोटो अटैच करिवे। यहाँ पर आपंकर जहाँ भी पर्सनल इनफर्मेशन थी समस्त इनफर्मेशन को फिलअप करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे जहाँ भी क्वालिफिकेशन थी। नेक्स्ट हूँ आपंकर जदि कौन एक्सपीरियंस थी तेज से विषय भी मेंशन करेंगे। यहाँ पर रही आपंकर लैंग्वेज देखो आप भाषा जानते से विषय लिखे ओडिया हिंदी इंग्लीश आपके जहाँ भी नलेज थी से विषय में मेनसन करेंगे। नेक्स्ट हूँ आपंकर फुल सिग्नेचर एवं डेट प्लेस देखो ए फॉर्म टी फिलअप कला मुझ आपको जहाँ भी डॉक्यूमेंट कही आपको पीडीएफ रे भी डॉक्यूमेंट लिस्ट मिले से डॉक्यूमेंट गुड़क अटैच करेंगे। अटैच कला आपको जो पूर्व एक एड्रेस देखी से एड्रेस फॉर्म टी सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स यह कि इनफर्मेशन ये पोस्ट अप्लाई करार जदि आपको डाउट लगुच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ।